अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल पूरा लाइफ विद आमना। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो लखनऊ का नखास एरिया है वहाँ पे हूँ और यहाँ की जो सबसे पुरानी मिठाई की दुकान पे आई हुई हूँ। यहाँ पे ये जो दुकान है बहुत ज़्यादा पुरानी है। उसके अलावा यहाँ पे साइड में दूसरी दुकानें भी हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ख़ासकर ये जो समोसा है उसके बारे में आपको बता दूँ कि ये जो समोसा है ये चिकन समोसा है, तो ये गर्मा गर्म चिकन समोसा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और वही हम लोग टेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे लस्सी, क्योंकि यहाँ की लस्सी बहुत ही टेस्टी होती है। लस्सी का नाम आता है तो पंजाब का ख्याल आता है, पर मैं एक बार जरूर बताऊंगी कि लखनऊ में अगर आप रहते हैं तो यहाँ की लस्सी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही जबरदस्त होती है। इसके ऊपर मलाई मार के दी जाती है। तो चलिए, इस गर्मी के सीजन में पहले हम लोग पियेंगे ये लस्सी, फिर हम लोग जाएंगे करीम होटल को। यहाँ से करीम होटल को जाएंगे जो कि लखनऊ का बहुत ही पुराना और फेमस होटल है। वहाँ के खाने बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं, बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। तो हम लोग भी वहाँ पे लंच करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, मतलब कौन सी ऐसी जायकेदार वहाँ पे जो खाने हैं वो अवेलेबल हैं, और उसको हम लोग टेस्ट करेंगे और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि वो किस तरह के हैं। आपका नाम बताइए। तो ये होटल, वैसे मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत पुराना है, कितने साल होगा इसको? 110 साल हो गए। 110 साल माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे क्या क्या वैरायटी, मतलब क्या क्या फेमस है यहाँ का? तो कबाब है, बन पराठा है, चुमाल, चुमाल है, हाँ हाँ, बिरयानी है, अच्छा, रोस्टेड आइटम है, ओके, वगैरह है। और टाइमिंग यहाँ की? 1 बजे खुलता है और रात में 11:30 बजे बंद होता है। रात के 11:30 बजे तक, ठीक है। और ये बन कबाब है अभी? ये बन कबाब ये पुराना आइटम है, ये पहले सर्दियों से चला रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। हाँ, गलावटी ना। ये कौन है भाई? सर भोजनाय मोहिनी हुआ, भोजनाय फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीम होटल में आज हम लोग लंच के लिए आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कबाब पराठा ऑर्डर किया है, जो कि लखनऊ के हर जगह पे आपको मिल जाएगा, पर हर जगह का जो टेस्ट होता है वो अलग रहता है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने बिरयानी और एक बन कबाब है, वो यहाँ की स्पेशल डिश है, वो हम लोग ने ऑर्डर की है। तो काफ़ी टेस्टी सा जायका है, काफ़ी अच्छे से, और ख़ासकर मुझे यहाँ की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल थी। उसके अलावा उसके साथ जो रायता दिया था उसके साथ उसका जायका और ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुझे तो यहाँ के खाने, जो कि मैंने काफ़ी सुन रखा था कि यहाँ पे बहुत टेस्टी खाने मिलते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि ये जो बिरयानी है ये बहुत ही अच्छी और जायकेदार बनी हुई थी। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप चाहे मटन बिरयानी ट्राई कीजिए, चाहे चिकन बिरयानी, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छी है, पर खासकर जो मटन बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पे देखिए सब लोग लंच इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के खाने में एक स्पेशल चीज़ मैंने ऑर्डर की थी जो कि बन और शामी कबाब का है, जो जैसे कि यहाँ पे गलावटी कबाब मिलते हैं उसको बन के बीच में रख दिया जाता है। आजकल जैसे बच्चे बर्गर बहुत पसंद से खाते हैं, तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट मुझे ये लगा और फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रही थी, क्योंकि बर्गर वगैरह तो हम लोग कई बार खा चुके हैं, पर ये जो गलावटी कबाब है उसके साथ बन का कॉन्सेप्ट मैंने आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे ये ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी चीज़ें जो कि बिरयानी है या कबाब पराठे हैं वो तो ज़बरदस्त थे ही, बहुत ही टेस्टी थे। तो यहाँ की हर चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और मुझे जैसे मैंने सुना हुआ था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा रहता, तो मुझे वैसे ही फील हुआ। उसके अलावा साथ ही साथ में हम लोगों ने लास्ट में मीठा भी ऑर्डर किया है, और यहाँ की स्पेशल डिश थी मटका खीर, जिसमें ये मटके में हम लोगों को केसरी रंग की खीर दी हुई थी, और ये खीर बहुत ही टेस्टी और जायकेदार ज़ाफ़रानी इसका टेस्ट था और बहुत मज़ेदार थी। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का खाना।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा ब्लॉग जो कि मैंने करीम होटल पे बनाया, और यहाँ का मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। और वही बात है, आप चाहे लखनऊ की किसी भी होटल में जाइए, वहाँ का कुछ ना कुछ आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ के जो खाने के स्वाद होते हैं, जो टेस्ट होता है, उसका जायका ही बहुत ही अलग होता है। और जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ लखनऊ के ऊपर, जिन्होंने वो नहीं देखे हैं प्लीज जरूर से देखिएगा। अभी के लिए मैं अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर एक नए वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।